हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु संरचना, जो आपके 11th में फर्स्ट लेसन के रूप में है। परमाणु संरचना में जो भी टॉपिक है, थ्योरी है, हम अब उनकी डिटेल से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, डिटेल से आपको थ्योरी भी समझाएंगे, लिखवाएंगे भी, और उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करवाई जाएगी। इसके पहले मैंने आपको कुछ वीडियो दिए थे, बनाए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाना है, कॉन्फ्रेशन करवाना है, और क्वांटम संबंध निकालना है। मैंने ये सब कुछ आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, कुछ बेसिक एडुकेशन भी दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो से पढ़कर अपना नोट्स बना सकते हैं। अब डिटेल से हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम की, परमाणु की। परमाणु क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तत्वों के वे छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तत्वों के वे छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु में सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन का। परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु होता है हाइड्रोजन का। और ध्यान रखिएगा कि परमाणु के तीन मूल कण होते हैं, मूल कण यानी कि जिनकी वजह से परमाणु पूरी तरह से उन पे डिपेंड करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो कौन कौन से होते हैं तीन मूल कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को किसने की थी? इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित कण होता है। सबसे पहले जे जे टॉम्सन एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है आवेश। ठीक है, और इसी बात करते हैं उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9 × 10⁻³¹ किलोग्राम, 9 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ठीक है, अब चलते हैं प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव कण। प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव कण होते हैं। प्रोटॉन को किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन का जो भार है, अणुभार, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि क्योंकि उदासीन कण है इसलिए आवेश नहीं होता है। लेकिन जे चैडविक, कौन साइंटिस्ट थे? जे चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत हद तक मैच करता है, काफी हद तक मैच करता है, 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चला ना मूल कण कौन कौन से होते हैं और इनके बारे में क्या जानकारी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बात करते हैं कैथोड किरणें, कैथोड रेस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ मैंने, एक तरफ कैथोड है और एक तरफ क्या है? एनोड। और ये क्या निकल रही है? कैथोड किरणें, रेस, कैथोड किरणें। और ये पंप है, यहाँ पे क्या है? हाई वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, इसे करंट दौड़ना चारों तरफ। ठीक है, समझिएगा, मैंने इसकी डेफिनेशन के लिए प्रयास किया हुआ है। किसी गैस में कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड से एक अदृश्य किरण पर निकलती है। कैथोड, ठीक है, इससे क्या निकलती है? अदृश्य किरण पुंज निकलती है, जो कैथोड से कहां? एनोड की ओर चलती है। कैथोड से एनोड की ओर चलती है, और कैथोड के सामने वाली नली, कैथोड के सामने वाली नली, ठीक है, कैथोड के सामने वाली नली की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। कैथोड से निकलने वाली ये किरणें क्या कहलाती है? कैथोड किरणें कहलाती है। ठीक है, बात समझ आ रहा? ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैथोड किरणों के गुणों की। बताते हैं कैथोड किरणों के गुणों की, कैथोड किरणों के गुणों की। ये सीधी रेखाओं में चलती है, कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, कैथोड किरणें चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित होती है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित रहती है। ये कांच की नली की दीवारों पर प्रदीप उत्पन्न करती है, कांच की नली की दीवारों पर प्रदीप उत्पन्न करती है। ये किरणें धातु की पतली पन्नी में
ताप दीप उत्पन्न करती है, धातु की पतली पन्नी में ताप दीप उत्पन्न करती है, ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं, ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, ठीक है। कैथोड किरणों की बात करते हैं, कैनाल किरणों की, कैथोड किरणों के बाद कैनाल किरणों की, ये चित्र बनाया हुआ है, ये विसर्जन नली है, ये तरफ क्या लगा हुआ है यहाँ पे एनोड की छड़ लगी हुई है, ये तरफ कैथोड की छड़ लगी हुई है, और ये जो है कैथोड की रेस किरणें हैं, और ये क्या है एनोड की रेस एनोड की किरणें हैं, ठीक है। जो कहाँ जा रही है, कुछ क्या जा रही है कैथोड तरफ जा रही है एनोड की साइड में, देखिएगा ये जो है जब छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नली में, जब छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नली में कम दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है, तो कैथोड के पीछे दीप उत्पन्न होती है, क्या होता है कैथोड के पीछे दीप उत्पन्न होती है, जिससे किरणें निकलती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं, और इन्हीं किरणों को गोल्ड स्कीम, ये जो साइंटिस्ट है गोल्ड स्कीम, इन्होंने क्या कहा था, इन्हीं किरणों को उन्होंने कहा कैनाल किरणें, ये किरणें कैथोड किरणों के छिद्रों से निकलकर एनोड की ओर चली जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर एनोड की ओर चली जाती हैं, इन्हें धन किरणें भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, धन किरणें भी कहते हैं, इनके गुण जो है वो कैनाल किरणों के गुण जो है वो कैथोड किरणों से काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की, ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था हम लोगों ने, तो एटॉमिक नंबर क्या है, देखिएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, ठीक है, धन आवेश होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक। और धनावेश की संख्या किस पे डिपेंड करती है, प्रोटोनों पर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो प्रोटोनों की संख्या होगी वही क्या होगा परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, इस पर कहते हैं द्रव्यमान संख्या की, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को, प्रोटोनों की संख्या और देखिएगा द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार पर निर्भर करती है, जो परमाणु भार होता है वो द्रव्यमान संख्या ही होती है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि द्रव्यमान संख्या को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, किसे ए से रिप्रेजेंट किया है, और इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर जेड प्लस एन, देखिए ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, नोट करने के लिए बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड से आपको विजुअल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख के आपने नोट्स में इसको बता सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ एक हम सवाल इसकी बात करते हैं, ओके। देखिएगा एक सवाल दिया हुआ है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, परमाणु क्रमांक यानी कि जेड का मान दिया है 30, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या है ए, कितना दिया हुआ है 66, ठीक है, कह रहे हैं इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन की संख्या निकालनी है और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, ध्यान रखिए प्रोटॉन की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, बताया था मैंने, तो प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी 30, यानी कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन पूछा हुआ है, आपको मालूम है ए बराबर जेड प्लस एन, ए की वैल्यू दी हुई है कितनी 66 और जेड की वैल्यू कितनी हुई है 30, और एन निकालना, एन क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 66 माइनस के 30, तो कितना निकल के आ जाएगा 36, ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परमाणु क्रमांक दिया हुआ था, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, फॉर्मूला मालूम था, हमने रखा और क्या निकाल लिया न्यूट्रॉनों की संख्या, ओके। समस्थानिक की, नाम से थोड़ा समझिएगा पहले, तो समस्थानिक, स्थान मतलब स्थान, ठीक है, स्थानिक से मतलब है स्थान, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है,
स्थान का मतलब होता है क्रमांक से, परमाणु क्रमांक से, ठीक है। सम मतलब समान, ठीक है। ध्यान रखिए जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। एक एग्जांपल लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने, तीन समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13, ठीक है। इस तरह से ये तीन है, ये दिए, ये दिए, यहाँ पे नीचे एक लिखा हुआ है, यहाँ भी एक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है, ठीक है। तो नीचे होता है क्रमांक, नीचे क्या होता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या होता है परमाणु भार। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक एक है, इसका परमाणु क्रमांक एक है, इसका परमाणु क्रमांक एक है, तो परमाणु क्रमांक कैसे है, समान। और इसका परमाणु भार एक है, इसका दो है, इसका तीन है, तो परमाणु भार कैसे है, अलग अलग, ठीक है। ध्यान रखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। इन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको, इन तीनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये किसे हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, आपको याद रहेंगे डेफिनेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, समस्थानिक के बाद बात करते हैं संभारित की, आइसोबार। संभारित, भारित, सम यानी कि भार जिनके समान होते हैं, बात समझने का प्रयास करिएगा, संभारित जिनका भार समान होता है, संभारित यानी कि भार, परमाणु भार, भार मतलब परमाणु भार, यानी कि जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संभारित कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आर्गन के, पोटेशियम और सी ए कैल्सियम, इन सबका परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 लिखा हुआ है, लेकिन जो भार है क्योंकि ये 40, 40, 40 सबका 40 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके जो भार है वो कैसे है, समान, इसलिए इनको क्या रखा गया है, संभारित में। एक और एग्जाम्पल दिया है क्रोमियम और आयरन, क्रोमियम और आयरन इनके जो है भार कैसे है, समान है, और ये जो है परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसलिए इनको क्या रखा गया, संभारित पर। ओके, एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन नोट कर सकते हैं आप लोग अपने नोट्स में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल डिपेंड करता है अल्फा कणों के विचलन पर, ठीक है। इसको नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इनके मॉडल से क्या है, नाभिक, नाभिक का पता चला था, नाभिक की जानकारी हुई थी, अल्फा कणों का विघटन किस तरह से होता है इन्होंने अपने मॉडल में रख दिया। तो इनके मॉडल के अनुसार क्या क्या पॉइंट थे, इन्होंने कहा कि परमाणु का सूक्ष्म भाग गोलाकार अति सूक्ष्म गोलाकार होता है, परमाणु जो है अति सूक्ष्म गोलाकार कण है, ठीक है ना, इसमें धन और ऋण आवेश होते हैं। ओके, तो धनावेश गोलाकार कण है, इसमें धनावेश कण क्या करते हैं, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ, परमाणु एक धनावेश गोलाकार सूक्ष्म कण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट लिखना है कि परमाणु का धनावेश परमाणु के केंद्र पर संचित रहता है, परमाणु का कुल धनावेश परमाणु के केंद्र पर संचित रहता है, जो परमाणु का नाभिक कहलाता है, क्या कहलाता है, परमाणु का नाभिक, ठीक है। परमाणु, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, परमाणु के इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर, परमाणु के इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, कैसे लगा, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। यह आपका क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट, ठीक। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक जो है वो क्या करता है, आकर्षण बल आरोपित करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के। परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी आई, ठीक है, कमियां की थी क्या थी, तो पहले एक कमी बताता हूं मैं आपको कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ दोष कमियां, पहली कमियां क्या थी कि उनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने
स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, अपने परमाणु पटल में स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की और उनके अनुसार स्पेक्ट्रम जो है सतत और रेखीय की व्याख्या करने में असफल रहे। ओके, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं की। इनका मानना था कि जो परमाणु है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो चक्कर लगाने से क्या है कि द्विध्रुव की एनर्जी कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा की कमी का मतलब है धीरे धीरे उनमें क्षय होना और एक समय ऐसा आ जाना कि इलेक्ट्रॉन जब पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों का नाभिक में गिरने का मतलब है कि परमाणु का विध्वंस हो जाना। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं होता, इसलिए ये उनकी जो है स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में असफल रहे, इसलिए इनका परमाणु मॉडल कमजोर माना गया। दूसरा, उसमें कमी निकली गई और इस परमाणु मॉडल को, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को एक वैज्ञानिक थे नील बोर, जिन्होंने इस परमाणु मॉडल को संशोधित करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, इसकी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। ओके, बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल में क्या है, इन्होंने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो बोर का परमाणु मॉडल था। पहला, इन्होंने अपने बहुत सारे नियम दिए, पहला तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम नाभिक में एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में, नाभिक में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, ध्यान रखना कोणीय संवेग कैसा होता है, h बटे 2π, h बटे 2π होता है। ठीक, इनका कोणीय संवेग h बटे 2π होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। तो ये पॉइंट थे नील बोर के परमाणु मॉडल के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे परमाणु संरचना प्रारंभिक की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु संरचना आधुनिक की और उसमें जो भी नियम होंगे उन नियमों की हम बात करेंगे, एक एक नियम आपको डिफाइन करके समझाएंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको आएगा। ठीक है, और वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।